अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हों। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें अपने प्यारों, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली के साथ नसीब करे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत। मैं आपका दोस्त फैसल एक और व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ, और मैं आज एक पार्क में मौजूद हूँ मस्कत में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम कैसे इंजॉय कर रहे हैं और आप लोग अपनी ईद को कैसे अच्छा बना सकते हैं। जी तो गाइस, अभी हम इंजॉय कर रहे हैं पार्क में, और बहुत यहाँ लोग आए हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे झूले हैं यहाँ पे। वो आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों को दूर से, हो रहा वो निकला। तो ये देखिए ये कुरुम में पार्क है। अभी हम यहाँ आलू ले रहे हैं और भूख लगी हुई है बहुत। ये बदमाश आदमी मेरे साथ खड़ा हुआ है, इसका तारुफ मैं आपसे बाद में करवाऊँगा। अच्छा, ये मस्कत में कुरुम में जो पार्क है, यहाँ पे क्या है कि जो नॉर्मली झूले होते हैं पार्कों में, जो बच्चों के झूले होते हैं नॉर्मली छोटे छोटे, तो वही सेम ही है। कोई इतना ख़ास नहीं है कि जी यहाँ पे कुछ ऐसा है, वही है सब। तो ये देखिए जी, मेरा भाई अब्दुल अज़ीज़ भी आया हुआ है हमारे साथ। अब्दुल अज़ीज़, तो भी चलते हैं और भी आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे। बस ये बड़े से बड़े ये दो झूले ही हैं यहाँ, और तो कुछ भी नहीं है, और सब छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे झूले वूले लगाए हुए हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें। बहुत काफ़ी रश हो रहा है ईद की वजह से, बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे। टिकट फ्री है, टिकट फ्री है यहाँ इस पार्क में, आप आ सकते हैं जी। तो अभी खाने पीने के बाद अभी हम फ्री हुए हैं और अभी तक पार्क में ही घूम रहे हैं। कुरुम बीच का पार्क है। मेरे साथ मेरा कज़न, मेरा भाई मौजूद है सिकंदर। हम सब पूरी फैमिली यहाँ आए हैं, तो पूछते हैं भाई से कैसा एक्सपीरियंस इनका रहा पार्क में। जी तो सिकंदर भाई, बताइए हमारे नाज़रीन को कैसा लगा आपको इस पार्क में आगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि ईद में फैमिली के लिए बहुत बहुत अच्छी जगह है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, अच्छे झूले हैं, अच्छा खाना है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि यहाँ अल कुरुम पार्क में ज़रूर चक्कर लगा, ज़रूर आना चाहिए। ये पार्क बहुत अच्छा है, यानी आपका कहने का मतलब ये पार्क का बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, यानी आना चाहिए यहाँ पे फैमिली के साथ। यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा है, बहुत इंजॉय करोगे, बहुत इंजॉय करोगे। हमारे साथ एक मम्मी डैडी बच्चा मौजूद है, और चलिए उसको चल के पकड़ते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत स्पीड में जा रहा है वो। कैसे हो भाई? क्या हाल है? बस ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है पार्क में आके? बेहतरीन। अच्छा लग रहा है, मौजे। अच्छा, तो तुम नए आने वाले लोगों के लिए क्या कहोगे कि यहाँ पे उनको आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। अरे क्यों, अच्छा नहीं लगा? भाई मेरी नसीहत है, जिसको सुकून प्यारा है घर में बैठे। जी तो ना गाइस, हमारे बिलाल भाई का कहना है कि जिनको सुकून पसंद है वो घर में ही रहें और पार्क में मत आएँ, ठीक है? सुकून करने वाले लोग जो हैं, रिलैक्स करने वाले लोग, वो अपने अपने घरों में बैठें, तो वो अवॉइड करें ऐसे पार्कों में आने से, ठीक है? ख़ास तौर पे फैमिली के साथ तो आना, फैमिली के साथ कभी नहीं आना, फैमिली के साथ कभी भी नहीं आना यहाँ गाइस। तो गाइस भी बहुत सारा घूम लिया हमने, और काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पार्क में आए हुए, हमको बहुत इंजॉय भी किया। और कुरुम का पार्क है, ठीक है, आप लोग आइए यहाँ पे घूमिए फिरिए, ईद का मौका है, आपको सबको आना चाहिए यहाँ पे। जी तो अभी हम बाहर के साइड निकल चुके हैं, और अभी हम बाल बना। अच्छा जी, हम अभी घर के तरफ जा रहे हैं। बहुत तो मजा आएगा, आप भी आए, जो भी मस्कत में रहते हैं वो कुरुम नेचुरल पार्क में आए, आके घूमें। ईद के तीनों दिन ओपन है, बिल्कुल फ्री टिकट के साथ। अब आए, झूले वूले खाएं यहाँ पे, और बहुत अच्छा पार्क है, बहुत क्राउडेड है। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पे आप आके बहुत इन्जॉय करेंगे, और ईद के दिनों में आप आ जाएं यहाँ पे और आके आप घूमें फिरें, इन्जॉय करें। जी तो गाइस, कैसा लगा आज का ब्लॉग हमारा आपको? हम आपको ईद पे, ये ख़ास हमारा मकसद था आपको बताने के लिए कि आप चाहे यहाँ पे फैमिली के साथ हैं, चाहे आप बैचलर हैं, आप निकलिए बाहर, जाइए घूमने फिरने के लिए,
और एटलीस्ट कम से कम एक दिन दो दिन तो अपने आप को देना ही चाहिए। सालों साल काम करते रहते हैं तो इतना तो हक बनता ही है कि इंसान थोड़ा घूमे फिरे, कुछ मूड भी फ्रेश हो जाता है, कुछ अच्छा भी लगता है और कुछ हमको पता भी चलता है कि इस कंट्री में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इंसान घूम फिर सकता है, जहाँ आ जाके अपना मूड फ्रेश कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको बताने के लिए थी। आप अगर ओमान में रहते हैं तो आप कुरुम बीच पार्क में आप ज़रूर जाइए, इस टाइम पे बहुत मज़ा है वहाँ पे और बहुत भीड़ है लोगों की, ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी टाइम निकालिए, जाइए, इंजॉय कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। खुदा हाफिज़।